हेलो एवरीवन, बच्चों पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इस पाठ के मीनिंग्स दिए थे, शब्दार्थ लिखने के लिए आप सभी ने लिखे होंगे। साथ साथ मैंने कहा था कि पाठ को 2 times रीडिंग करना है अच्छी तरह से, और कई शब्द एकदम फ्यू वर्ड्स मैंने 3 times लिखने के लिए दिए थे हिंदी नोटबुक में। फिर से मैं बता रही हूँ, किसी की हिंदी नोटबुक लिखकर भर चुकी होगी तो आपको न्यू बुक बनानी है। एक तो शॉर्ट बुक बनाओ, नहीं तो लॉन्ग। लेकिन बच्चों, जो भी मैं वर्क दे रही हूँ, आपको कंटिन्यू लिखना है और साथ साथ रीडिंग करना है। और इसी बात का ध्यान देना है कि मिस दे रही है कैसे वैसे राइटिंग में लिखना है, ऐसा नहीं। अच्छी हैंडराइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आपको लिखना है। हाँ, ठीक है। अब मैं पेज नंबर 16 लास्ट एंड पेज, हाँ, लेसन का शब्द वाटिका, नए शब्द ऐसे प्रेड करके रख रही हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नीचे, पाठ के नीचे ही है, उधर से आप रीडिंग कर सकते हैं। और मैंने दिए भी होंगे फ्यू वर्ड्स इसमें से, नहीं दिए हैं तो आप इसी में से रीड कर सकते हो। नए शब्द, युगांतकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधिया, कृतिया, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोरना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। मुहावरा देखो, दाव पर लगाना कुछ पाने के बदले, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। ठीक है, मैं वाक्य का उपयोग करके आपको दिया है, बाद में मैं बता रही हूँ। मेरी कलम से, नेक्स्ट पेज पे, दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। ये क्या दिया है? आउटलाइन दिया है। मैंने आपको एक स्टोरी दी है बच्चों, याद है? उसी तरह ये दूसरी स्टोरी है। यह स्टोरी आप खुद को ओन में लिखनी है। ठीक है, देखो पेज नंबर 17, यह स्टोरी आउटलाइन मुद्दे दिए हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। गांव, दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी, इस तरह आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है। दिए हुए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। आउटलाइन, गांव का मेला, देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से सड़के को देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। सीख मतलब बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी को क्या कहते हैं, सीख, और शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल। बच्चों इस बात का ध्यान देना है, इसके लिए एक एक मार्क्स रहता है, और जो इनसाइड अंदर का पार्ट रहता है उसके लिए 3 marks, टोटल 5 marks की स्टोरी रहती है कहानी। इसीलिए कहानी है, आपने सुनी है, हाँ, वैसे ही कहानी है। बच्चों आप, मैंने एक आपको कहानी दी है, हाँ, निबंध बुक में लिखने नहीं कहा था, नोटबुक में ही आपको तुरंत मिल जाएगी, इसलिए मैंने बोला है नोटबुक में। इसी तरह मैंने आउटलाइन भी दिए है, लेकिन कहानी अलग है, लेकिन इस तरह आपको इस कहानी के आउटलाइन को रीड करना है और टाइटल के साथ लिखना है। ठीक है, इसका शीर्षक क्या आएगा वो बच्चों, निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। क्या आएगा? निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार बच्चों। और सीख क्या आएगी इस कहानी से, क्या सीख मिलती है? निस्वार्थ भाव से ही कई
गई सेवा को सबसे बड़ा बड़ा सेवा, मतलब सबसे बड़े सेवा। आप किसी की सेवा करते हो ना, समाज सोशल वर्क, तो जो आप अच्छी तरह से किसी को अच्छी हेल्प करते हो तो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। समझ में आया? और यह कहानी लिखनी है, कैसे लिखनी है? तो एक गांव में एक मेला लगा हुआ था। आसपास के गांवों के सैकड़ों दुकानदारों ने कई दिन पहले से ही मेले में अपनी दुकानें सजा रखी थी। इस तरह आपको कहानी को शुरुआत करनी है। बच्चों, आप आपके ओन वर्ड से लिखो, मैं बाद में चेक करूंगी, ठीक है? आप प्रैक्टिस करो कि, और कहानी हमेशा पास्ट टेन में होती है, भूतकाल में। आप ट्राई करो, कैसी भी लिखी तो भी मैं देखूंगी और उसमें मैं क्या परिवर्तन चेंजेस करना है मैं बताऊंगी, लेकिन आप लिख के रखो हिंदी नोटबुक में। बच्चों, आपको प्रयत्न करना है, प्रयत्नार्थी परमेश्वर, आपको हमेशा ईश्वर मदद करेगा। आप कैसे भी आपके ओन वर्ड में एक तीन पैराग्राफ की यह कहानी लिखो। मैंने शुरुआत आपको बताई, एक गांव था, उसी गांव में मेला लगा था। मेले में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने उधर दुकानें सजाई थी। हाँ, इस तरह आपको कहानी लिखनी है, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ पेज नंबर 16 का यहाँ क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया। देखो, जरा सोचो, चर्चा करो। हाँ, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं। बच्चों, आप इमेजिनेशन करते हो ना, कल्पना, कि मुझे यह कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ, मुझे टीचर बनना है, कोई कोई बोलते हैं, हाँ, वैसे आपके मन में इमेजिनेशन, कल्पना आती है। हाँ, यहाँ एक क्या है निबंध, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो, मतलब आपके मन में एक कल्पना आई है, इमेजिनेशन कर रहे हो। तो कैसे लिखेगो, लिख रहे हो, देखो आप, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो क्या मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, ऐसे आप लिखोगे ना, बहुत खुश, क्योंकि मेरा जो ड्रीम्स था, मेरा सपना था, वो मैं मेरा पूरा हो जाएगा। हाँ, मैं बचपन से ही, मेरी इच्छा थी कि मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनूं। मैं यह एक भी जानता था कि मैं बहुत से बहुत पढ़ाई करूंगा, अच्छी तरह से मेहनत करूंगा, अच्छे अंक हाँ लाऊंगा। ऐसे मैंने एक दिन समझा और एक दिन मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। मैं अंतरिक्ष यात्री बन गया और उधर मैं जाने की तैयारी की। मैं अवश्य एक दिन अंतरिक्ष में जाऊंगा, जाऊंगी, गर्ल्स हो है तो जाऊंगी बोलेंगी, लड़का है तो मैं जाऊंगा, ऐसे एक इमेजिनेशन करते। पूरे धरती का मैं निरीक्षण करता रहू, मैं उधर से अच्छी तरह से, मेरा एक कैमरा लिया, उधर से मेरे सारे फोटो खींचे। हाँ, बाद में अपने प्यारे भारत को मैं देखूंगी। हाँ, अच्छी तरह से ऐसे आपकी कल्पना लिखनी है बच्चों, समझ में आया? इस तरह आपको बाद में, आप अंतरिक्ष बन गए तो सारे आसमान का निरीक्षण करेंगे, पूरा निसर्ग आपने देखा, बाद में धरती को देखा, बाद में चांद को देखा, ऐसे आप उसमें लिख सकते हो। इस तरह आपकी कल्पना लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट, विचार मंथन, हम विज्ञान लोक के वासी। यहाँ कुछ ने पढ़ के रखना है। देखो बच्चों, अध्ययन कौशल, अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। दैनिक मतलब जो आप सुबह से क्या क्या काम करते हो, ये सब प्लानिंग करना है। ऐसे प्लानिंग करके रखो, लिखने की जरूरत नहीं है। सदैव ध्यान में रखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। बच्चों, विज्ञान है तो आज हम हैं। ये सारे सुविधा, ये ऑनलाइन की सब सुविधा विज्ञान द्वारा ही हमें मिली है, इसलिए याद रखना, विज्ञान है तो आज हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? देखो बच्चों, प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान देना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। बच्चों, यह विकल्प आपको दिया हुआ है,
ये दो ही फिलप्स मैंने दिए हैं, इधर है दिए हैं, वैसे ही मैंने नोटबुक में आपको लिखने के लिए दिए हैं। देखो ये दो ही, तो इधर से जो है पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए क्या श्रीहरिकोटा, अंडरलाइन करो, अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। दूसरा है सिर्फ 600 सेकेंड्स, क्या आएगा सेकेंड्स, सेकेंड्स हाँ, कि भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल भर में धो डाला। ये दो फिलिप्स जो है मैंने आपको दिए हैं, बाकी टेक्स्ट बुक में है, मैंने बहुत वक्त नहीं दिया क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक रीड करके उधर से मिल जाएगा, इसलिए मैं लिखने के लिए दो फिलिप जो टेक्स्ट बुक के पार्ट के नीचे है वही मैंने दिए है, ठीक है, उत्तर भी मैंने दिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीन चार वाक्यों में उत्तर लिखो। बच्चों ये आंसर ब्रीफ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रही हूँ। यह प्रश्न दूसरा, अभी मैं ग्रामर आपको मैंने पढ़ाया है, उपसर्ग और प्रत्यय याद है, अपने हिंदी नोटबुक में भी लिखा है, किसी किसी ने मुझे नोट्स भेजे थे, मैंने चेक किया है, लेकिन किसी किसी ने नहीं भेजा है, ठीक है, नोटबुक में लिख के रखो बच्चों। हाँ मैंने ये नोट्स दिया है, आपको समझाया है, उसकी जानकारी भी मैंने दी है, ठीक है, इसीलिए मैं अभी ज्यादा समय नहीं ले रही बच्चों। जो ब्रीफ है मैंने नहीं दिए, मैं बाद नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ, क्योंकि आंसर सब टेक्स्ट बुक में है। अभी मैं वन लाइन के आंसर दे रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई है? यह क्वेश्चन आंसर मैंने इसीलिए दिए कि टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ आपको देते हैं, और पैराग्राफ में से क्या बोलते हैं, दिए हुए परिच्छेद में से आंसर ढूंढकर लिखो, तो आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक के ही आंसर बीच के अंदर के लेसन के मैंने दिए हैं। देखो श्री फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, बाद में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, लास्ट पैराग्राफ में से ही मैंने क्वेश्चन आंसर भी ढूंढने दिया है और साथ साथ उत्तर भी दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी उपग्रह को कब छोड़ा गया? पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। अग्नि प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया? अग्नि प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, अग्नि प्रणाली को विकसित करने का अवसर किन्हें मिला? अग्नि प्रणाली को विकसित बहुत मुश्किल से ही कभी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार विकसित करने का अवसर मिला। वैज्ञानिकों ने अब्दुल कलाम से क्या वादा किया? वैज्ञानिकों ने अब्दुल कलाम से यह वादा किया, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ से वापस मिलेंगे। नेक्स्ट, लहरें क्यों शोर मचा रही थी? ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। समझ में आया बच्चों? इसी क्वेश्चन आंसर को आपको हिंदी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, धन्यवाद।